GATS and its main provisions. GATS stands for General Agreement on Trade in Services. GATS has created a framework for bringing trade in services under international disciplines. Jo trade hoti hai mukhtalif mulkon ke darmiyan, wo do dimensions hai uski. Ek to hai goods aur dusri hai services. अभी तक जो बहुत सी बातें हमने की हैं उसका ज्यादातर फोकस जो है वो गुड्स से रिलेटेड है, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो सर्विसेज भी है. सर्विसेज बुनियादी तौर पे नॉन टेंजिबल्स हैं, जो शायद हमें नजर नहीं आ रही, जो हम हाथ नहीं लगा सकते, जो कोई जिसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें उससे बहुत सी यूटिलिटीज मिलती हैं, बहुत से फवायद मिलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो सकती है. तो इनको भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है WTO, और GATS इज बेसिकली द डॉक्यूमेंटेशन विच ब्रिंग्स दी सर्विसेज, द ट्रेड इन सर्विसेज इनटू ए स्पेसिफिक फॉर्मेट. GATS provisions apply to all the modes in which international trade in services take place, including cross-border movement of service provider, yani jo service provider hain wo kisi dusre mulk mein chale jaye service provide karne ke liye, jaise banks kisi dusre mulk mein apni branches khole या दूसरे बहुत से मुल्कों में अपनी ब्रांचेस खोलें, जैसे कोरियर कंपनीज, मशहूर कोरियर कंपनीज हैं जिनके दफातर हैं, जिनके लॉजिस्टिक्स हैं, जिनकी जिनके फुटप्रिंट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में. इसी तरह एयरलाइन कंपनीज जो हैं वो दे आल्सो हैव देयर ऑफिसेस एंड देयर एग्जिस्टेंस इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो सर्विस प्रोवाइडर चले जाएं या मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर टू द कंट्री ऑफ इंपोर्टेशन, या वो जिनको उन सर्विसेज की जरूरत है वो खुद दूसरे मुल्क में या ममालिक में उन सर्विसेज के हसूल के लिए खुद चले जाएं, जैसे जैसे मे बी द मेडिकल टूरिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो एंटरटेनमेंट के लिए कोई वकेशंस के लिए, कोई इलाज के लिए, जब कोई एक एक मुल्क से लोग दूसरे मुल्क या मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक दूसरे के मुल्कों में जाते हैं, तो ये भी बेसिकली देर इज सर्विस ट्रेड गोइंग ऑन. सर्विस बेचने वाले जाएं या सर्विस खरीदने वाले जाएं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो दैट इज द ट्रेड इन सर्विस गोइंग ऑन. तो बुनियादी तौर पे जो GATS है वो इन सारे जो भी पॉसिबल फॉर्मेट हो, कंज्यूमर्स सर्विस खरीदने जा रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सर्विस बेचने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, so there was a need to formalize these practices. So in practices ko proper jo format deta hai aur jo ke in services or in movements ko regulate karta hai framework, wo wo GATS hai, aur GATS ki mukhtalif provisions hain jo ke organize ek pura ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट प्रोवाइड करती हैं टू द ट्रेड विच इज गोइंग ऑन इन सर्विसेज बिटवीन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड.